लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन कारणों से बढ़ सकता है ओबरी का साइज। मैं आपको बता रहा हूं जाने क्यों बदलता है इसका आकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल, अनियमित खान पान और तनाव के कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। खासकर ओबरी से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। ओबरी महिलाओं की फर्टिलिटी का एक जरूरी हिस्सा होता है, जो अंडाणुओं का उत्पादन करती है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है। बीते कुछ सालों में ओबरी की आकार बढ़ने जैसी समस्याएं महिलाओं में आम होती जा रही हैं, जो स्वास्थ्य का बुरा असर डालती हैं। ओबरी की समस्याओं से नज़रअंदाज करने से इनफर्टिलिटी का समस्या बढ़ रही है। ओबरी में सूजन या ओबरी के साइज का बढ़ना कई कारणों से हो सकता है। तो ओबरी का साइज बढ़ने के जो कारण हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण है ओवुलेशन। ओवुलेशन महिलाओं में होने वाली हर महीने की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें अंडाशय से अंडाणु निकलता है और इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी ओबरी में सूजन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। कुछ महिलाओं में ओवुलेशन के दौरान ओबरी का आकार अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। दूसरा, ओबेरियन सिस्ट। ओबेरियन सिस्ट की समस्या से भी कई बार महिलाएं परेशान रहती हैं। ये सिस्ट अक्सर खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बड़े आकार का हो जाता है, जिसमें ओबरी का आकार बढ़ जाता है। ओबेरियन सिस्ट के कारण पेट में दर्द, भारीपन और मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, ओबेरियन टॉर्शन। ओबेरियन टॉर्शन में ओबरी और इसके आसपास के हिस्सों में खून का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं को बहुत दर्द होता है। इसका इलाज ना किया जाए तो ओबरी को नुकसान हो सकता है। ओबेरियन टॉर्शन की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चौथा है एंड्रोमेट्रियोमा। एंड्रोमेट्रियोमा एक प्रकार का ओबेरियन सिस्ट होता है, जो एंड्रोमेट्रोसिस के कारण होता है। एंड्रोमेट्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के अंदर का टिश्यू ओबरी या अन्य अंगों पर उगने लगता है। इसमें ओबरी एंड्रोट्यूमा के कारण प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इसका उचित इलाज जरूर कराना चाहिए। पांचवा, पॉली सिस्टिक ओबरी सिंड्रोम यानी PCOS। PCOS महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या है, जिसमें ओबरी में कई छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं। PCOS के कारण ओबरी का आकार बढ़ सकता है और इसके साथ ही मासिक धर्म में अनियमितता, वजन बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल उगना, बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। PCOS को हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो ओबरी का आकार बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से कुछ सामान्य होते हैं, कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। ओवुलेशन, ओबरियन सिस्ट, ओबरियन टॉर्सन, एंड्रोमेट्रियोमा और PCOS ओबरी के साइज बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द या सूजन, मासिक धर्म संबंधी अनियमितता रहती है, तो अपने नज़दीक जो आपके गायनिक लेडी डॉक्टर है, उससे आप संपर्क करें और अपना सही तरीके से सीरियसली इलाज कराएं, ताकि आप जल्दी माँ बन सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।